एम सलोनी, वेलकम टू माय चैनल सलोनी स्पेक। आज के वीडियो में मैं जो इंग्रेडिएंट्स यूज करने वाली हूँ वो है टूथपेस्ट। यस गाइस, टूथपेस्ट में ऐसे दो इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो हमारे स्किन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो वो दो इंग्रेडिएंट्स हैं, पहला ट्राइक्लोजेन और दूसरा पेपरमिंट ऑयल। सो गाइज, आज के वीडियो में मैं कोलगेट टूथपेस्ट को यूज करके ऐसी चार रेमेडी बताने वाली हूँ जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है। सो लेट्स चेक आउट द वीडियो। मेरे फर्स्ट रेमेडी के लिए मुझे चाहिए होगा थोड़ा सा कोलगेट टूथपेस्ट, उसके बाद मुझे चाहिए होगा थोड़ा सा एलोवेरा जेल, उसके बाद मैं इन दोनों को मिक्स करके एक पेस्ट बना लूंगी। तो गाइज, मैंने ये जो पेस्ट बनाया है इसको आप अपने फेस पे जहाँ पे भी पिंपल्स है आप वहाँ पे उसको अप्लाई कर सकते हो। इसको इस तरह से अपने फेस पे अप्लाई करना है। अभी मेरे फेस पे पिंपल नहीं है पर मैं आपको इसको अप्लाई करके दिखाती हूँ कि आपको कैसे अप्लाई करने हैं। तो ऐसे मान लीजिए मेरे फेस पे जहाँ पे भी पिंपल्स है मैंने वहाँ पे इसको अप्लाई कर लिया। अब 3 मिनट तक आपको इसको ऐसे ही रहने देना है, उसके बाद 3 मिनट के बाद आपको इसे वाइप कर लेना है। इसके बेस्ट रिजल्ट के लिए आप इसको दिन में 2 बार यूज करें, सोने के पहले यूज करो और दिन में कभी भी किसी भी टाइम पे यूज कर सकते हो। इससे आपके पिंपल्स बिल्कुल भी हट जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे और दूसरा कि आपके पिंपल्स के जो स्पॉट्स हैं, डार्क स्पॉट्स, वो भी रिमूव हो जाएंगे। ट्राइक्लोजेन क्या करता है, हमारे पिंपल्स को सूखने में मदद करता है और पिपरमिंट ऑयल क्या करता है, वो हमारे पिंपल्स की सतह को ठंडक पहुंचाता है। और तीसरा जो मैंने यूज किया था एलोवेरा जेल हमारे स्किन को मॉइस्चर करता है। तो इस तरह से हमारे पिंपल्स बहुत ही अच्छी तरह से रिमूव हो जाते हैं और उसके डार्क स्पॉट्स भी नहीं रहते हैं। सेकंड रेमेडी में यूज करने वाली हूँ 1/4 चम्मच टूथपेस्ट और 1/4 चम्मच सॉल्ट, और इन दोनों को मिक्स कर लूंगी मैं। और इसमें मैं मिक्स करूंगी थोड़ा सा वाटर। तो इसमें बिल्कुल थोड़ा सा आपको वाटर मिक्स करना है ताकि अच्छी तरह से पेस्ट बन जाए। तो गाइस, आप देख सकते हो ये बिल्कुल अच्छी तरह से पेस्ट बन चुका है। तो अब मैं इसको अप्लाई करके दिखाऊंगी। तो गाइज, इस पेस्ट को आपको अपने फेस पे वहाँ पे अप्लाई करना है जहाँ पे भी आपके ब्लैक हेड्स हैं, व्हाइट हेड्स हैं, या फिर जहाँ पे भी आपके ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स आते हैं। तो मैं इस पेस्ट को आपको अप्लाई करके दिखाऊंगी कि आपको इसको कैसे अप्लाई करना है। जहाँ पे भी आपके ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स हैं आप वहाँ पे इसको अप्लाई करो। अच्छे से 10 मिनट तक ऐसे स्क्रब करना है आपको। इसको आपको 10 मिनट तक अच्छे से स्क्रब करना है। इसमें मैंने सॉल्ट का यूज किया है जो कि बहुत ही अच्छा स्क्रबर है। इससे आपके फेस पे जितने भी ओपन पोर्स हैं उसमें जितने भी इम्प्योरिटीज हैं वो सबको ये बाहर निकालते हैं। तो आपको इस तरह से इसको 10 मिनट तक अच्छे से स्क्रब करना है, उसके बाद आपको अपना फेस ठंडे पानी से धो लेना है। बस ठंडे पानी से आपको अपना फेस इसलिए धोना है क्योंकि जब आप ठंडे पानी से अपना फेस धोओगे तो उससे क्या होगा, जितने भी आपके ओपन पोर्स थे वो सारे बंद हो जाएंगे। तो मैं अपनी थर्ड रेमेडी में यूज करने वाली हूँ 1/4 चम्मच कोलगेट टूथपेस्ट और थोड़ा सा लेमन जूस, और इन दोनों को मैं मिक्स कर दूंगी। इसको
अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करके एक पेस्ट तैयार करना है। ये आप देख सकते हैं अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। तो एज यू कैन सी ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। तो अब मैं इसको अपने नेल्स पे अप्लाई करूंगी। इसके बहुत सारे फायदे हैं। इसको नेल पे अप्लाई करने से क्या होता है, नेल का जितना भी पीलापन है वो सारा रिमूव हो जाता है। ये नेल को शाइनी बनाता है और हमारे नेल में जितने भी डॉट्स होते हैं उसको क्लियर करता है। इसे स्क्रब करने से क्या होगा, आपके नेल का जो पीलापन है वो सारा खत्म हो जाएगा, आपका नेल वाइट हो जाएगा, आपका नेल जो है वो सारा क्लीन हो जाएगा पूरी तरह से। जितने भी आपके नेल्स के जो डेड सेल्स हैं वो सारे रिमूव हो जाएंगे और आपका नेल बहुत ही ज्यादा शाइन करेगा। तो अब मैं इसको वॉश कर लेती हूँ। मैंने इसको अच्छे से स्क्रब कर लिया है। मैं अपनी फोर्थ रेमेडी में यूज करने वाली हूँ थोड़ा सा कोलगेट टूथपेस्ट, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा एलोवेरा जेल। इसको मैं अच्छे से मिक्स करके एक पेस्ट बना लूंगी। ये पेस्ट गाइस आपको डार्क स्पॉट्स पे बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। आपके जहाँ भी डार्क स्पॉट्स हैं आप वहाँ पे इसको अप्लाई करो, इससे बहुत बेस्ट रिजल्ट मिलेगा आपको। आपके जितने भी डार्क स्पॉट्स हैं वो सारे रिमूव हो जाएंगे इससे। तो अभी मैं आपको इसको अप्लाई करके दिखाती हूँ। सो गाइस, ये जो मैंने पेस्ट बनाया है इसको आपको अपने डार्क स्पॉट्स पे लगाना है। सो गाइस, इस तरह से आपको अपने फेस पे जहाँ पे भी डार्क स्पॉट्स है वहाँ पे आपको अपने फेस पे अप्लाई करने हैं। ओवरनाइट इसको ऐसे ही छोड़ देना अपने फेस पे और सुबह उठ के आपको नॉर्मल वाटर से अपना फेस वॉश कर लेना है। इसके यूज से आप देखोगे कि आपके फेस पे जितने भी डार्क स्पॉट्स थे वो सारे रिमूव हो जाएंगे, आपका फेस बिल्कुल भी डार्क स्पॉट फ्री हो जाएगा। सो गाइज, ये थी मेरी आज की रेमेडी जिसमें मैंने कोलगेट टूथपेस्ट यूज किया है। अगर आपके पास कोलगेट टूथपेस्ट ना हो तो आप कोई भी किसी भी ब्रांड का टूथपेस्ट यूज कर सकते हो। बस इस बात का खास ध्यान रखो कि वो टूथपेस्ट व्हाइट कलर का होना चाहिए और दूसरा कि वो फ्लेवरलेस होना चाहिए। So guys, if you like my video, then give a thumbs up and also subscribe to my channel for more such natural remedies from me. See you in my next video. Till then, bye bye, take care, have a good day.